दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट का ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब करना, और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। और ऐसा ही एक पोस्ट है आरटीओ का। आरटीओ का फुल फॉर्म होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, और इसे आरटीए के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आरटीए का फुल फॉर्म रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होता है, इसे हिंदी में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कहते हैं। यह भारत सरकार के संगठन है जो भारत के लिए ड्राइवरों का डाटाबेस और व्हीकल के डाटाबेस को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की स्टैब्लिश यानी कि स्थापना मोटर व्हीकल अमेंडमेंट 1988 की धारा 213 के तहत की गई थी। प्रत्येक राज्य और शहर के अपना आरटीओ होता है। हर साल देश के कई सारे लोग इसकी तैयारी करते हैं और कुछ लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। अगर आपको आरटीओ ऑफिसर बनना है तो आपको पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हर एक बात बताऊंगा। चलिए पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले आरटीओ क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितना होता है, फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंट चाहिए, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, सिलेबस क्या है, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, कट ऑफ कितना होता है, अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं, इसके कार्य क्या है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसके लिए तैयारी कैसे किया जाए। दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर यह वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कर ले और साथ ही में फॉलो कर ले। सबसे पहला क्वेश्चन, आरटीओ क्या है? दोस्तों आरटीओ का फुल फॉर्म रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, और इसे हिंदी में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कहते हैं। दोस्तों जिस प्रकार लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, ठीक उसी प्रकार आरटीओ भी बनते हैं। आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, वही आरटीओ के लिए स्टेट लेवल के पीसीएस कराती है। जैसे बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी प्रकार से देश भर के स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम करवाती है। दोस्तों एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आप आरटीओ डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं, आपको एआरटीओ पहले बनना होगा। जबकि आप स्टेट पीसीएस का फॉर्म भरते हैं तब आपको एआरटीओ प्रिफ्रेंस में भरना होगा। एआरटीओ यानी कि असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। पहले आप एआरटीओ के पद पे कुछ समय काम करेंगे, उसके बाद आपको प्रमोट करके आरटीओ ऑफिसर बनाया जाएगा। अगर आरटीओ की कार्य की बात करें तो समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मोटर वाहन केंद्रीय मोटर वाहनों और नियमों और राज्य मोटर वाहन नियमों के विभिन्न कार्यों को प्रावधान को लागू करना है। उसी के साथ परमिट के प्रावधानों और मध्यम सड़क परिवहन के समर्पित विकास सुनिश्चित करना है, और वाहनों की पंजीकरण कराना, मोटर वाहन कर जमा करना, पब्लिक और मॉल ट्रांसपोर्ट के लिए लाइसेंस जारी करना, ड्राइविंग टेस्ट का संचालन करना, और लर्निंग और अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस को जारी कराना और इसे नवीनकृत कराना, पंजीकरण वाहनों को डेटाबेस बनाए रखना, और वाहन संस्थानक और गिरवी वाहनों की रजिस्ट्रेशन को मेंटेन करना, मोटर वाहनों पर बीमा को वैधता पर उचित जांच बनाए रखना, और एक्सीडेंटल वाहनों को मैकेनिकल निरीक्षण करना, वाहनों को परिवहन के लिए फिटनेस और अनुदान प्रमाण पत्र जारी करना, और उसी के साथ ऑटो रिक्शा और टैक्सी जैसे सार्वजनिक सेवाओं के वाहनों के ड्राइवरों के बीच जारी करना, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइवरों और परमिट को जारी करना इनका काम है। अगर आरटीओ की पोस्ट की बात करूँ तो इसमें तीन तरह के पोस्ट होते हैं, एक क्लर्क पोस्ट, दूसरा सब असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट, और तीसरा जुडिशियल पोस्ट। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे। आरटीओ बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? दोस्तों इस पोस्ट का फॉर्म भरने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और ध्यान रखिए कि यहाँ पे 10th वाले सिर्फ क्लर्क का पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं, और उस विषय में आपको संबंधित क्षेत्र में किसी स्नातक डिग्री अनिवार्य है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं या लास्ट सेमेस्टर के या लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब आप अपीयरिंग हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सिवाय क्लर्क के। ग्रेजुएशन में आपको सिर्फ पास होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो, जैसे कि आप
बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिकल, होटल मैनेजमेंट आदि। दोस्तों यह बात ध्यान रखिए, किसी भी स्टेट पीसीएस का फॉर्म भरने के लिए आपको वहाँ का निवासी होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और बिहार झारखंड का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर पूछें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आप जानते हैं फॉर्म भरने के लिए ये क्राइटेरिया क्या है। अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं या यूपीपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो एज लिमिट है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल। ये एज लिमिट सभी के लिए है। उम्र सीमा में जो छूट मिल रही है वह जिस स्टेट के निवासी है उन्हें ही मिलेगी। अब कैटेगरी वाइज सीमा की बात कर लूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और SC ST वालों वर्ग के लिए 5 साल की छूट मिलती है। अगर फॉर्म भरने की परसेंटेज की बात करें तो सिर्फ आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अब जानते हैं एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। इस एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। एग्ज़ाम के 3 स्टेज पास कर लेने के बाद आप ARTO के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि प्रीलिम्स और मेंस को क्लियर करने के बाद ARTO बन जाएंगे तो ये गलत है। आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा। अगर आप इंटरव्यू में सफल नहीं होते हैं तो आपको फिर से पूरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोस्तों ये सवाल ज़्यादातर स्टूडेंट का रहता है कि हम अटेम्प्ट कितनी बार दे सकते हैं, तो जवाब है अप टू द एज लिमिट। आप मैक्सिमम एज लिमिट तक अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं सिलेबस के बारे में। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए सिलेबस का पता होना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। पहले जान लेते हैं प्रीलिम्स के बारे में। यह एग्ज़ाम के लिए दिए जाने वाले पहला एग्ज़ाम होता है जिसमें उम्मीदवार से अधिकतर जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग आदि इन सभी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 150 मार्क्स के होते हैं। और याद रखिए यह एग्ज़ाम निगेटिव मार्किंग होता है, हर गलत पे 1/3 मार्क्स डिडक्ट होंगे। जब उम्मीदवार के ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तब वह इस एग्ज़ाम के दूसरे स्टेज यानी कि मेंस में बैठ सकते हैं। दोस्तों मेंस एग्ज़ाम स्टेट PCS के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें मार्क्स जो आएगा वो फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट बनाएगा। यह RTO की परीक्षा की दूसरा चरण है जिसमें उम्मीदवार को प्रथम चरण को पास करने के बाद ही बुलाया जाता है। इसमें कैंडिडेट वो रिटर्न टेस्ट देनी होती है तथा यह एग्ज़ाम प्रीलिम्स से टफ होता है। दोस्तों इसके बाद 3rd राउंड आता है इंटरव्यू। जब आप प्रीलिम्स और मेंस को क्लियर कर लेते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में 120 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता, जैसे कि आप जिस स्टेट के निवासी हैं वहाँ के बारे में, खुद के बारे में, सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें ख़ास तौर पर इंटरव्यूअर को विश्वास दिलाना होता है कि आप इस पद के लिए उपयुक्त हैं। दोस्तों अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सभी स्टेट के डिफर करेंगे। दोस्तों अब जान लेते हैं फॉर्म कब भर सकते हैं। ARTO के लिए जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे सभी स्टेट का डेट अलग अलग होता है। जितने भी PSC के एग्ज़ाम होते हैं वो अपने अलग अलग टाइम पे निकालते हैं, इसके वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों अब इन सभी बातों को जान लेने के बाद अब जानते हैं RTO की सैलरी कितनी मिलती है। हर RTO की सैलरी हर स्टेट में डिफरेंट हो सकती है। जनरली एक RTO की सैलरी पर मंथ 20,000 से लेकर 23,000 रुपये के आसपास हो सकती है जिसमें अलाउंस एंड ग्रेड्स अलग से शामिल है। यह शुरुआत में नए भर्ती हुए RTO की अधिकारी को मिलता है। सभी सुविधाओं को भत्ते को जोड़ने के बाद शुरुआती स्तर पर 40,000 से 45,000 रुपये पर मंथ सैलरी हो सकती है। वही जैसे जैसे आपका सर्विस का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाए। अगर आपने सोच लिया है कि RTO ही बनना है तो आप पूरा ध्यान सिलेबस पर रखें और साथ में जनरल स्टडीज़, करेंट अफेयर्स को देखें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, टॉपर्स का इंटरव्यूज़ देखें और सब्जेक्ट अपने पसंद का चुनें। ऑनलाइन वेबसाइट और रिसोर्सेज को भी ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थी RTO की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों सिविल सर्विस एग्ज़ाम का कोई भी आपको वीडियो जैसे कि IPS कैसे बने, IFS कैसे बने, IRS कैसे बने समेत
जितने भी सिविल सर्विस के एग्जाम है सारी के वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। दोस्तों वीडियो से संबंधित कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर पूछें, और कोई अन्य वीडियो लिए हमें सुझाव दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।